Say again. Asante. Karibu. यहाँ पे 2800 रुपया लीटर का है, मतलब करीबन 110 रुपए के आसपास पेट्रोल है। अभी जस्ट पहला दिन, पहला ही घंटा है मैं बाहर निकला हूँ, भाई साहब मिले और इनको हिंदी आ रही है। और बताइए आप, इंडिया को आपको कैसा लगा जब इंडिया गए थे? मेरे लिए मजा हुआ था। अच्छा, ट्रक चलते हैं टाटा के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे, और यहां से मैं जा रहा हूं एयरपोर्ट के अंदर। आज 26 जनवरी है, तो आप 26 जनवरी को आप सभी को बधाइयां, और चलते हैं अंदर। मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, और भाई साहब हमारी एक और इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हो रही है। इस जर्नी में काफ़ी सारी बाधाएं आई, मैं आपको चल के बताऊंगा। देखो भाई कितनी शानदार बिल्डिंग बना रखी है। तो भाई मेन सिक्योरिटी गेट से एंट्री करके अंदर आ चुके हैं, ये वाला गेट है। यहाँ से अंदर आने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते बिना फ्लाइट वाले की परमिशन लिए बिना। तो एक बार अंदर आ गए मतलब अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक आप यहाँ से निकल नहीं जाते। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, ये अंदर का टर्मिनल है, यहाँ से हम चेक इन बोर्डिंग वगैरह लेंगे जहाँ पे भी होगा केन्या एयरवेज का, और उसके बाद हम आगे निकलेंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ मुंबई के एयरपोर्ट पे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 बहुत बड़ा है, विशाल का है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है जो फ्लाइट के गेट होते हैं ना, वो है कम से कम 70 से भी ज़्यादा। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 67A पे, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है केन्या, और केन्या से मैं जाऊँगा तंजानिया के लिए। तो इसके पहले मेरी केन्या एयर से 2 दिन पहले की टिकट थी, वो टिकट मेरी 25,000 की ऐसे ही चली गई, नुकसान हो गया क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी, और मैं हाथों हाथ बुक भी कर रहा था, लेकिन केन्या एयरवेज के जो स्टाफ है, इंडियन लोग यहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, रूड व्यवहार किया, और बहुत मतलब कहते हैं जितना हो सके हद पार की उन्होंने। मुझे गलत मतलब तू तड़ाके से बात की गई, और मैंने बोला कि मैं अभी का भी टिकट बुक करता हूँ, फिर भी नहीं माने, और बड़ा मतलब बेशर्मी और हद पार कर दी, और वो भी सब इंडियन स्टाफ थे। और फिर मैं उस टाइम पे रिटर्न हो गया, और मैंने दूसरी टिकट बुक करी, और आने की भी दूसरी टिकट बुक कर ली मैंने फिर से, वो मैंने केन्या से की है, जाने की मैं तंजानिया की है, जो भी वाया केन्या से होके जाएगी। तो आने की मैंने जो केन्या की है, वो मैं सीधा डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए आऊँगा 40 दिनों के बाद में। इस दौरान मैं घूमने वाला हूँ तंजानिया पहले, उसके बाद केन्या, रवांडा, युगांडा, देन केन्या, देन वापस आ जाऊंगा। तो ये मेरा प्लान है। इसके लिए मैंने एक वीज़ा लिया, ओनली ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, जो 3 घंटे का वीज़ा होता है $100 में, $109 में, जिसमें आप केन्या घूम सकते हैं, युगांडा घूम सकते हैं, रवांडा घूम सकते हैं, 3 कंट्री में, और $110 लगते हैं। अगर आप यहाँ से तंजानिया जाते हैं तो तंजानिया का ऑन अराइवल वीज़ा है, और वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा लेके 15 दिन घूमने के बाद आप अगर केन्या वगैरह जाते हो तो 3 कंट्री वो भी घूम सकते हैं, इस तरह से आप 4 कंट्री घूम सकते हैं। तो अभी मैं फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ, और चलते हैं एक शानदार यात्रा शुरू करते हैं। मैंने आपको सब बता दिया कि अभी जाने की फ़्लाइट का टिकट का मेरा 17,000 रुपये लगे, और उस दिन जो मेरी टिकट थी उसका 25,000 रुपये लगा। तो कोई नहीं, 5 मतलब कुल मिला के 17,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि 25 में तो उस दिन जाने ही वाला था। मैंने केन्या का वीज़ा अप्लाई किया, और वीज़ा अप्लाई करने के 1 घंटे बाद ही वीज़ा आ गया, ईस्ट अफ्रीका वीज़ा। तो मुझे आसानी हो गई, मैंने तुरंत दूसरी फ़्लाइट बुक की जाने की और आने की। आने की फ़्लाइट का 29,000 है, जो नैरोबी केन्या से अहमदाबाद तक की है। तो ये है हिसाब किताब। अब मुझे लगता है फ़्लाइट के बारे में आप नहीं पूछोगे, और केन्या का वीज़ा का मैंने ईस्ट अफ्रीका 3 कंट्री का वीज़ा का बता दिया, 110 हैं, और तंजानिया के वीज़ा ऑन अराइवल है, जो मैं 2 लाख जाके लेने वाला हूँ जाके। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता आगे मेरे साथ में, बस बाकी चलते हैं आगे। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो मैंने आपको पहले बता दिया, येलो फीवर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो यहाँ नहीं मांगा गया,
यहाँ पे सिर्फ वैक्सीनेशन का ही मांगा गया। तो येलो फीवर का भी रखिए, पोलियो का भी रखिए, वैक्सीनेशन, तीनों चीज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट और रिटर्न फ्लाइट और वीज़ा अगर ज़रूरी है तो, और होटल बुकिंग भी पूछा गया, एक दिन की बताया तो भी चल गया। ठीक है, लेट्स गो। देखो अभी अभी मेल आया है, अब एक घंटा लेट है, 17:50 हो गया, पहले 16:50 था फ्लाइट का टाइम, अब 17:50। ये है इनका हालिया। छः घंटे आसमान में उड़ते हुए 5,500 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुँचे केन्या नैरोबी। यहाँ से हमारी दूसरी फ्लाइट है। तो भाई फाइनली अब हम लोग जो हमारी यहाँ से फ्लाइट है जाने वाली केन्या नैरोबी से दार ए सलाम तंजानिया की तरफ, उस जगह पे आ चुके हैं। एक बार फिर से सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ा, सारे सामान को स्कैन कराना पड़ा, उसके बाद यहाँ पे आना पड़ा ट्रांजिट सिर्फ, लेकिन जब करवाना पड़ता है। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे यहाँ पे और अभी नेक्स्ट फ्लाइट का वेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। और यहाँ पे हुए हैं अपने, वहाँ बजे हैं रात के 1:30 और यहाँ पे बजे हैं अभी 10:48, पूरे 2.5 घंटे का फर्क है। भाई एक और फ्लाइट में ऑलरेडी बैठ चुके हैं और ये प्लेन थोड़ा छोटा है, मतलब जब हम चलते हैं तो हमारी हाइट ऊपर टच होती है। तो अभी चलते हैं यहाँ से केन्या नैरोबी से दार ए सलाम। आउटसाइड व्यू कुछ ऐसा है, केन्या एयरवेज ही दिखेगी आपको सारी। और यहाँ पे बोलते हैं किलिमंजारो पहाड़ का नाम है भाई। यहाँ पे आइसक्रीम दिखिए, चार्जर व्यवस्था ठीक ठाक है। फ्लाइट जो हमें स्टॉप नहीं दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे पैसेंजर उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं। और नैरोबी से 30 मिनट की भी फ्लाइट नहीं थी, बहुत शॉर्ट फ्लाइट थी और बहुत ख़तरनाक बीच में है, इतना ज़्यादा ट्रबुलेंस था ना भाई, एकदम से ऊपर जा रही एकदम से नीचे रह रही, बहुत डरे हुए थे तो भाई कसम से, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। यहाँ से फिर से एक बार उड़ान भरेंगे, ये तीसरी बार होगा जब हम उड़ान भरेंगे मुंबई से नैरोबी, नैरोबी से किलिमंजारो, किलिमंजारो से दार ए सलाम। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दार ए सलाम। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं नैरोबी से आया था किलिमंजारो, वहाँ से इधर, और ये मेरी 17,000 की फ़्लाइट थी जो मुझे इंडिया से मुंबई से यहाँ तक लाई।
और यहाँ आने के दौरान मैंने बोला कि आपको कठिनाइयाँ क्या क्या हुई कि मुंबई एयरपोर्ट पे आपको पता है कि परेशान किया गया आज फिर से, और वही लोग एक बंदा था तो बोले कि परसों आप आए थे ना, मैंने बोला हाँ, तो फिर एक बार फिर से साइड में ले गया जब मैं गाड़ी फ्लाइट में बैठने जा रहा था। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझसे एयरपोर्ट पे वीज़ा लेने के लिए मुझे पूछा गया कि रिटर्न फ्लाइट कहाँ है, तो मेरे पास रिटर्न फ्लाइट यहाँ से थी नहीं, केन्या से थी। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास केन्या से, तो एक जो अधिकारी था उसने मुझे ऑफिस के अंदर ले गया, एक लड़की और थी जो वियतनाम से थी, तो अंदर ले जाके मुझे बोला कि $100 देने पड़ेंगे और 50 वीज़ा के, मतलब करीबन 150। मैंने बोला नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो बोले आप तो डिक्लाइन हो जाएंगे, वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने बोला पैसा ही नहीं है, मैं आपको $60 दे दूँगा, 50 वीज़ा का, 10 आपको। तो फिर वो बंदा बोला बाहर बैठो, फिर बाद में अंदर बुलाया, फिर बोला ठीक है 10 मुझे दे दो और वीज़ा ले लो। उसने किसी को फ़ोन किया होगा और अधिकारी को, फिर मुझे वीज़ा दे दिया। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, 4 बज गए हैं और मुझे जाना सिटी में जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर वेट करके थोड़ा लाइट हो जाए फिर ही निकलो, अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डे है और ठीक नहीं रहेगा कि मैं बाहर जाऊँ और रात को फिर हॉस्टल वाला भी ना खोला तो मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए इधर ही ठीक है। सिम कार्ड इधर मिला नहीं, मनी एक्सचेंज मैंने करा लिया, $1 का 2345 जो इधर का करेंसी होता है वो मिल रहा है। तो बस वेट कर रहा हूँ, ये एयरपोर्ट है, तो मिलते हैं आपको बाकी की बात बात में होता है। सिम कार्ड यहाँ पे दुकान पे भाई का सब सिस्टम ख़राब हो गया तो मिल नहीं रहा, तो देखते हैं। तो भाई अभी मैं रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ दार ए सलाम सिटी में। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि 4:30 बजा है और स्ट्रीट पे रोड पे मार्केट लगी जूतों की, खरीद रहे लोग ऐसे ही जूते डाले हुए, सुबह सुबह 4 बजे यार लोग खरीद रहे, काफ़ी भीड़ है, मतलब हद है यार, अजीब अजीब है यार। रिक्शा वाले ड्राइवर भाई साहब बहुत अच्छे इंसान है, ये मैंने उधर से इनको बुक किया लेकिन फिर कैंसिल करके हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया। तो बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। अब चलते हैं धीरे धीरे सिटी में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नई कंट्री में आ चुके हैं। ये हमारी सुबह है और अभी करीबन 12 बजे सुबह में 5 बजे यहाँ पे पहुँचा था और आने के बाद मैं सो गया था। इस होटल की बुकिंग अभी 12 बजे से मेरी स्टार्ट हो रही है लेकिन मैं सुबह जल्दी आ गया, फिर भी मुझे अलाउड किया गया। तो हॉस्टल ओनर बहुत बढ़िया है और इसका खूबसूरत नज़ारा आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले चलते हैं बाहर, बाहर से एक सिम कार्ड लेते हैं। सिम कार्ड कितने का आ रहा है, रात को तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर मिला नहीं। सिम कार्ड लेके और नाश्ता वास्ता करके फिर वापस आके मैं हॉस्टल का एक टूर देता हूँ आपको। ये है तंजानिया, गुड। और ये हमारा हॉस्टल था जहाँ पे मैं रुका हूँ, और इस हॉस्टल के बाहर निकल रही आपको क्या देखने को मिलता है देख लीजिए। ये है कच्ची सड़क, पथरीली, और आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी राजधानी में हूँ लेकिन कुछ ऐसा ही है। देखिए, और ये जगह देखिए जहाँ पर मैं रुका हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं शहर के अंदर और आपको कुछ नज़ारे दिखाते हैं। और ये है दुकान बाहर देख लीजिए भाई, यहाँ पे राशन वगैरह मिल रहा है लो। और ये दुकान है, टूटी फूटी दुकान है। और यहाँ पे मिल रहे हैं आम, और भाई साहब यहाँ पे तो गर्मी इतनी है ना, अभी 5 मिनट भी 2 मिनट भी नहीं हुआ जलने लग गए अगर धूप में चलोगे तो। लेकिन यहाँ पे पेड़ भी हैं, कोए भी हैं। चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको, चाय का ठेला लगा है, कुछ मसाई लोग हैं सो सामान बेच रहे हैं और इसी की ड्रेस में भी है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और ये बीच में BRTS जैसी बस चलती है। अभी नया ट्रैक बनाया गया है तंजानिया की राजधानी में, और सामने सड़क कच्ची है भाई। कौन कहते हैं कि दुनिया में कोई अच्छे इंसान नहीं होते। देखो अभी जस्ट पहला दिन, पहला ही घंटा है मैं बाहर निकला हूँ, भाई साहब मिले और इनको हिंदी आ रही है। आपका नाम? फराज। फराज भाई, और ये रहे हैदराबाद में, और हैदराबाद में 4 साल रहे तो इनको हिंदी आ रही है।
मुझे बोला भाई जान, मैं अचंभे में पड़ गया यार, भाई जान को हिंदी कैसे आ रही है। और ये चलाते हैं बोडा बोडा अभी। और बताइए आप, इंडिया को आपको कैसा लगा जब इंडिया गए थे? मेरा लिए मज़ा हुआ था। अच्छा, मज़ा हुआ था। मज़ा आया था। ओके, तो अभी आप इधर ही रहते हैं? इधर ही रहता हूँ। काम काज कैसा चल रहा है, कमाई वमाई ठीक है? कर रहे हैं दिन निकल रहे हैं। वाह भाई वाह, मजाक। तो एक बात यहाँ पे पूछना था मुझे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं तो मेरा एक दोस्त था इधर आया हुआ, तो वो बोलता है कि थोड़ा ध्यान से रहना, मतलब तंजानिया तो सेफ है, दूसरी कंट्री में थोड़ा सावधान रहना। तो इधर कैसा है, सावधान है? अरे मतलब सही है, सेफ है? बिल्कुल, दार एस सलाम के मतलब सेफ है। मतलब मैं मोबाइल लेके ऐसे वीडियो कर रहा हूँ, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सके ना। दूसरा जगह मत करो। हाँ सही है यार, कितना मजा आ गया मुझे आज, कसम से। आप घर से निकलोगे ना तो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल होती है, ऐसा मुश्किल नहीं है। और कमाल है, तो आप तभी हिंदी सीख गए हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। अभी मुझे यहाँ सिम कार्ड लेना है, कौन सा बेस्ट रहेगा? वोडाकॉम है, वोडाकॉम बहुत अच्छा। किधर मिल जाएगा? इधर तो आपको मतलब हिंदी तो आ रही है यार, क्या सिखाऊँ मुझे। चलो सही है भाई, इनको तो नहीं आ रहे ना? नहीं ठीक है। नहीं नहीं आ रहे हैं ना, थोड़ा नहीं। ये देखो यहाँ की बस है, एक्सप्रेस बस कह सकते हैं, और लंबी बस है देखो। और ये BRTS जैसा ही है, एक बीच में कॉरिडोर बना अलग से, उसमें ये चलती है। और इधर क्या मिल रहा है ये वाला, ये दुकान पे क्या मिल रहा है, ये छतरी वाली दुकान पे, ये वाली खाना मिलता है? अच्छा ओके, पिछले 4 दिन से जो मूड ख़राब हो रखा था कैनियन एयरवेज के स्टाफ जो इंडियन थे उनकी वजह से, अब जाके ठीक हुआ जब मैं तंजानिया से ठीक ठाक पहुंच गया। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे सामने थोड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है आपको, राजधानी है तो बिल्डिंगें तो होगी। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ प्राइस कितना है, 250 रुपया लीटर का है, मतलब करीबन 110 रुपये के आसपास पेट्रोल है। डीजल यहाँ पे महंगा है, डीजल का है 3290 रुपया, डीजल हो गया करीबन ओके ब्रो भाई, डीजल का हो गया करीबन 150 रुपये से आसपास। डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, और लोग बहुत अच्छे हैं यार पहली नज़र में। चलते हैं इस तरफ, मैं सिम कार्ड का जुगाड़ करता हूँ, कहीं सिम कार्ड मिल जाएगी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सिम कार्ड का क्या हालचाल है। वो सामने एयरटेल की ऑफिस है, देख लीजिए ऊपर। और यहाँ के युवा बेचारे बोड़ा बोड़ा बाइक का जो है काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो है सो वैसे सेफ, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा आपकी का कंट्री है। तो मैं एक दुकान पे आया हूँ, यहाँ पे सेब है जो करीबन 500 तंजानियन रुपीज़ में मिल रही है, तो बहुत सस्ती हो गई यार, 1 किलो का भाव है देखो। और ये है भी एकदम फ्रेश, दिस वन 200 लाइक दिस वन 500 2000 yeah. ओके अच्छा, वन पीस 200 ओके, आई कम आफ्टर सिम कार्ड, बाय बाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ, सामने काफ़ी सारी बिल्डिंगें दिख रही है, टेक्नो लिखा है, होटल भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से मुझे कहीं सिम कार्ड मिलेगी जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। ये ले जा रहे भाई साहब गैस का बोतला, इतनी तेज ज़्यादा उमस है भाई साहब, अभी से फ़ोन थोड़ी देर में गर्म हो गया एकदम से। और ये है सामने वोडाकॉम की ऑफिस बड़ी सी, जहाँ से मुझे सिम कार्ड लेना है, तो वोडाफोन ही है शायद इसका कॉपी है। ये भाई साहब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, चलते हैं आगे दिखाते हैं कुछ। यहाँ पे लिखा सियालकोट एंटरप्राइज, पाकिस्तान का सियालकोट। अभी मैं आ चुका हूँ वोडाकॉम की इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पे सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अभी मैं देखता हूँ कि सिम कार्ड यहाँ पे कैसे मिलती है, कितने दाम में मिलती है, क्या डाटा प्लान आता है, सारा कुछ बताऊँगा आपको।
तो भाई साहब सिम कार्ड मैंने ले लिया है जो करीबन मुझे पड़ा $11-12 का, और $11-12 में आपको 10 GB डाटा 5G की स्पीड से, 5000 की सिम थी वो हो गई करीबन $1.50 की, ₹100 की, और कॉल के लिए मैंने एक और पैक लिया ₹2500 का, मतलब ₹2500 का कॉल का कराया, 100 मिनट मिलेगी उसमें खाली, 50 SMS वो मिल गया मुझे करीबन ₹100 में, और 5000 की सिम कार्ड है, 5000 मतलब हो गया करीबन ₹120 के आसपास। तो यहाँ से ले लिया मैंने, वीडियो वहाँ पे बनाया, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़की थी तो वो बोले कि यार मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वीडियो मत बनाइए। ओके, मैं बोला ठीक है भाई। तो अभी हम चलते हैं वापस उस तरफ, और मेरा जो हॉस्टल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो आपको बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है ना उधर, वहाँ पर जाना है उधर। तो ये हिसाब किताब है यहाँ का भाई, ₹2350 मतलब $1 हो गया, $1 मतलब ₹83 हो गया। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ₹100 के तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। और बाइकर यहाँ पे बहुत फास्ट चलते हैं भाई, डाला डाला बोड़ा बोड़ा पे बैठ गए ना भाई, तो पसीने आ जाएंगे आपको। चलते हैं वापस अपने घर, और सिम लिया उसका नाम है वोडाफोन, वो एक ही कंपनी है लेकिन इधर नाम वोडाफोन रखा हुआ है, और वोडाफोन का लोगो देखो वोडाफोन के जैसा ही है, तो ये नाम भी आपको बता दिया, जब भी आप तंजानिया आओ तो ये देख लेना। और ये गाड़ियों के नंबर देख लीजिए भाई, येलो कलर की नंबर प्लेट है सब पे, और ज़्यादातर ये वाइट है देखो। ट्रक चलते हैं टाटा के, यहाँ पे टाटा की गाड़ियाँ भी चलती है, पे आपको इतने सारे बेचने वाले रोड पे दिखेंगे सामान, पानी की बोतल, कुछ छोटी मोटी आइटम है, लकड़ी ले जाते हुए। तो अभी मैंने ये ख़रीदा था, फ्रूट का रेट पहले बता रहे थे उसमें कंफ्यूजन था, ये एक का ₹200 है, एक 200 का मतलब आप समझिए कि ₹9 के आसपास होगा, इंडिया के ₹1 के बराबर यहाँ की करेंसी है वो करीबन 23 से 24 रुपये है। और ये है सेव जिसका मैंने दिया है ₹800, तो 800 के अंदर 23 का भाग दीजिए 24 का, तो उसका हिसाब किताब मिल जाएगा, काफ़ी हो जाएगा मुझे लगता है ₹30 के आसपास होगा, तो ये ₹8। और ये चीज़ गर्मी में खाने के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हो उमस है, पसीना आ रहा है यार, वहाँ पर ठंडी थी यहाँ पसीना आ रहा है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। तो भाई बाबू टेक अवे के यहाँ पे बैठ के खाना तो मुश्किल है, और रोटी यहाँ है नहीं, सब्जी यहाँ है नहीं, पसीना से तर बतर हूँ, तो मैंने यहाँ पे हाँ टेक अवे, ओके तो टेक अवे वाला सिस्टम यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ से ले जाऊँ ये सलाद, वो आलू की चिप्स, और टोमेटो सूस है, सॉस है, और मैंगो का जूस है, ये इतना मेरे लिए एक बार तो काफ़ी हो जाएगा। खाने की दिक्कत तो भाई शुरू हो गई ऑलरेडी, यहाँ बैठ के तो अंदर बहुत धुआं धुआं है, तो मैं यहाँ से नहीं खा सकता, तो अभी के लिए तो ये ठीक है। और ये बाबू भाई है पता नहीं कौन है, ये वाले पार्सल कर रहे हैं, सलाद है प्योर गोभी गाजर, उधर केला भी है, तो ये मेरा पार्सल तैयार हो गया इधर, और अभी देखते हैं। से अगेन असांते करीबू, तो ये हमारा पार्सल है, इसमें ये है हो गया आपका सलाद वगैरह, इसमें हो गया जूस इस तरह से दिया गया, और तो बाकी मैं यहाँ वहाँ पे होस्टल पे जाके ही खाना खाऊंगा। 3000 का हुआ करीबन ₹100 के आसपास, 100-110 के आसपास। चलते हैं अभी होस्टल। तो अभी मैं यहाँ पे था इस टीवी रिपेयरिंग शॉप पे, और ये वाली जो टीवी है रिपेयर कर रहे थे उसे काफ़ी सारी बात की, और बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका नाम है माइकल। मैंने इनको बोला कि ये टीवी का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो आप LED LCD वाला रिपेयरिंग सीख जाइए तो अच्छा रहेगा, बस ये मेहनत करते हैं और इस तरह से टीवी वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो इधर ये वाली लाइफ चल रही है यार, मैं रास्ते में जाते जाते रुक गया, चलते हैं वापस। हाँ सर, तो भाई अभी हमारे खाने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, मैं खाना तो लेके आपको पता ही है, और इस झोपड़ी में बैठ के खाना खाऊंगा। तो देखिए भाई कितनी खूबसूरत जगह है, बढ़िया बना है, बहुत ठंडा भी है,
और ये बैठने के लिए ये भाई साहब, और ये हमारा खाने का आज का जुगाड़ कुछ ऐसा है। देखो चिप्स सलाद और साथ में एक जूस है, कुछ सेब है जो मैं बाज़ार से लाया, और इस प्रोग्राम में मेरा एक सहयोग कर रही है ये वाली छोटी सी। हेलो हाउ आर यू? गुड। तो ये पता नहीं चिप्स खाएगी। एक और झोपड़ी उधर है, और इसमें एक खासियत आपको देखने को मिलेगी, यहाँ का जो मसाई ट्राइब का जो वेशभूषा होती है उसकी यहाँ पे झलक देखने को मिलती है। ये कपड़ा हो गया लाल लाल ही दिखेगा आपको वहाँ पे, हो गया है ना। तो ये है, तो खाना खाते हैं और फिर बाद में मिलते हैं। तो भाई मैं वापस आ चुका हूँ, और अभी मैं हॉस्टल में हूँ। यहाँ पे ये जो मैं जिस जगह पे रुकूँ पर, यार बहुत गर्मी है यार, कसम से हालत ख़राब हो रही। मुझे लगता है एक डेढ़ घंटे से बाहर हूँ, मतलब अभी जाके एसी में आया तभी जाके राहत मिली है। अभी मुझे खाना खाना बाकी है, तो पता नहीं कैसे गर्मी में कैसे जिएंगे वो तो आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समुंदर भी है ना, तो पूरा हॉट हॉट लगता है यहाँ पे, एकदम ऐसा महसूस होता, पसीना बहुत आता है यार। लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे मैं रात को आ गया था एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर से, सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँच गया। एक मैंने उबेर किया, और बाद में उबेर कैंसिल करके ऐसे ही फिक्स कर दिया 10,000 रुपये में। 10,000 मतलब करीबन वही 300-350 रुपये के हिसाब से यहाँ पर पहुँच गया। तो इसी तरह से ये जो यात्रा है, यहाँ पहुँच गए हैं तंजानिया। वीडियो अगर अच्छा लगा, यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है, आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे से लोग हैं, तो आगे चल के और ज़्यादा एक्सट्रीम देखने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो बस इसी तरह से प्यार मोहब्बत बांटते रहिए और चलते रहिए, यही हमारा जीवन ऐसे गुजर जाएगा। बाय।